तो क्या आप जानते हैं कि साल 2022 में कौन कौन सी कार्स इंडियन मार्केट को गुडबाय कर चुकी हैं? क्या आपकी फेवरेट ट्रस्टेड कार्स इंडियन मार्केट में हैं या रिटायर हो चुकी हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज हम 2022 में डिसकंटिन्यू हो चुकी 12 कार्स के बारे में बात करने वाले हैं। भाई, ये कार इंडियन मार्केट से कब और क्यों गायब हुई, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 9 पर है महिंद्रा अल्टुरा G4, जो नवंबर 2018 में लॉन्च हुई थी, लेकिन कुछ सालों में ही महिंद्रा को ये डिसकंटिन्यू करनी पड़ी, जिसका सबसे बड़ा कारण था इसकी कम सेल्स। वैसे कहने में तो ये टोयोटा फॉर्च्यूनर, फोर्ड एंडेवर और एमजी ग्लोस्टर को रावल करती थी, लेकिन अपने आउटडेटेड लुक से ही लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाई। इसमें 5 स्टार की बढ़िया सेफ्टी रेटिंग और शानदार फीचर्स ऑफर किए गए थे, लेकिन भाई फॉर्च्यूनर ने इस बजट में और इस सेगमेंट में कस्टमर्स को एकदम बांध के रखा है। जो फील फॉर्च्यूनर देती है वो अल्टुराज ऑफर नहीं कर पाई। महिंद्रा ने अल्टुराज को दिसंबर 2022 में अपनी साइट से डिलीट कर दिया था और अब ये डिसकंटिन्यू हो गई है। इसका एक और कारण आरडी नॉर्म्स भी हो सकते हैं, जो कम सेल होने वाली कार्स के लिए एक्सपेंसिव साबित होता है, तो शायद उसके कारण ही महिंद्रा ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया हो। बाकी आपको क्या लगता है, महिंद्रा ने अपनी सबसे महंगी एसयूवी को बंद क्यों किया होगा, कमेंट में हमें जरूर बताएं। नंबर 8 पर है टोयोटा अर्बन क्रूजर, जो इस लिस्ट में सबसे कम टाइम सिर्फ 2 साल में ही डिसकंटिन्यू कर दी गई है। इसको टोयोटा ने सितंबर 2020 में ब्रेजा के रीबेज्ड वर्जन में उतारा था, लेकिन मारुति में जब सेम कार मिल रही है तो भाई इंडियंस मारुति को छोड़कर टोयोटा के पास क्यों ही जाएंगे। हालांकि 20-22 हजार यूनिट मंथली इसकी सेल होती थी, इसमें बढ़िया फीचर्स और 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग आती थी, लेकिन इसको नवंबर 2022 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया, जिसका कारण ब्रेजा की री इंजीनियरिंग हो सकता है। नंबर 7 पर है मारुति सुजुकी एस क्रॉस, जिसने साल 2015 में नेक्सा की नींव रखी थी और अच्छी खासी 1.69 लाख यूनिट 2022 तक सेल हुई थी। इसने मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की रेनॉल्ट डस्टर और ह्यूंडई क्रेटा को अच्छा कंपटीशन दिया था। इसको अक्टूबर 2022 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था और दूसरी तरफ मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ग्रैंड विटारा को लॉन्च कर दिया था, जो बिल्कुल भी एस क्रॉस की जगह नहीं लेती है, लेकिन उससे बेटर जरूर है। एस क्रॉस को डिसकंटिन्यू करने का मेन रीजन इसकी गिरती सेल्स भी हो सकती है। नंबर 6 पर है ह्यूंडई ग्रैंड आई10 नियोस और ओरा, जिनके डीजल वेरिएंट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब ये कार्स पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और सीएनजी पावर ट्रेन के साथ ही मिलेगी। इनके डीजल वेरिएंट में 25 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज मिलता था, लेकिन डीजल वेरिएंट की कम सेल्स और आरडी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग डीजल इंजन को री इंजीनियरिंग करवाना कॉस्टली था, जिसके कारण इसको जुलाई 2022 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। तो आरडी नॉर्म्स और BS6 फेज 2 जो अप्रैल में लागू होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग छोटे इंजन को अपग्रेड कर पाना एक्सपेंसिव है और इसी वजह से बहुत सी स्मॉल डीजल कार्स डिसकंटिन्यू हो रही है। नंबर 5 पर है ह्यूंडई सेंट्रो, जो ह्यूंडई की एंट्री लेवल हैचबैक थी और 1998 में लॉन्च की गई थी। भाई, ये कार कंपनी के लिए एक गेम चेंजर साबित हुई थी। इसकी सेल्स भी अच्छी खासी होती थी, लेकिन शायद इसके राइवल्स के कंपैरिजन में इसकी ज्यादा प्राइस, कम स्पेस और छोटे इंजन के कारण कस्टमर्स इसे चूज नहीं कर रहे थे। इसको ह्यूंडई ने मई 2022 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, लेकिन भाई अब 2023 में इनकी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी आने वाली है जो इसकी जगह ले सकती है। नंबर 4 पर है वॉक्सवैगन पोलो, जो कंपनी का मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट रहा है और अच्छी सेल्स भी इसने अचीव की थी, लेकिन फिर भी 12 साल बाद कंपनी ने इसको अप्रैल 2022 में डिसकंटिन्यू कर दिया था। इसमें बढ़िया इंजन और 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग आती थी और अच्छा खासा फैन बेस भी इसका बना हुआ था, लेकिन शायद धीरे धीरे कम होती सेल्स के कारण कंपनी को इसको रिटायर करना पड़ा। नंबर 3 पर है डेटसन की 3 गाड़ियां, डेटसन गो, डेटसन गो प्लस और रेडी गो, जो सभी डिसकंटिन्यू हो गई हैं। और आपको बता दें कि यही 3 कार्स इनकी इंडियन मार्केट में आती थी, तो भाई ये कंपनी इंडिया से जा चुकी है। इनकी मंथली सिर्फ 4000 यूनिट्स ही सेल हो पाती थी, जिससे मार्केट में सर्वाइव कर पाना मुश्किल था, और अप्रैल 2022 में इन्होंने क्विट कर दिया था। इतना कुछ खास इनकी कार में नहीं आता था, जिसके कारण ये अफोर्डेबल थी और फाइनली ये कार्स डिसकंटिन्यू कर दी गई है। नंबर 2 पर है रेनॉल्ट डस्टर, जिसको साल 2012 में लॉन्च किया गया था और लॉन्च के बाद से ही डस्टर ने एसयूवी सेगमेंट में तहलका मचा दिया था। ये बढ़िया 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग और गुड लुक्स के साथ आती थी, लेकिन धीरे धीरे इसके राइवल्स ने समय रहते अपडेट्स दिए, जबकि इसको बहुत कम अपडेट्स दिए गए, जिससे इसकी सेल्स डाउनफॉल होती चली गई और मार्च 2022 में इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ गया। नंबर 1 पर है ह्यूंडई एलेंट्रा, जिसको कंपनी ने साल 2004 में लॉन्च किया था और अब 18 साल की जर्नी के बाद इसको इंडिया से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, क्योंकि अब लोग सेडान से ज्यादा एसयूवी टाइप कार्स को पसंद करते हैं, जिससे सेडान की सेल्स नीचे आई है और कंपनी का कहना है कि इनकी वरना ही सेडान सेगमेंट में रॉक करने के लिए काफी है। इसको कंपनी ने मार्च 2022 में डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो दोस्तों, ये तो थी वो कार्स जो 2022 में डिसकंटिन्यू कर दी गई थी, क्योंकि बदलते मार्केट में ही सर्वाइव करने का दम नहीं रखती थी। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट आपको सब्सक्राइबर बनाने का दम रखता है, तो फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बेस्ट ऑटो चॉइसेस हमेशा यहाँ मिलती रहेंगी। इन यूजफुल डिटेल्स के लिए इस वीडियो पर 1 लाइक तो बनता है।